नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा है मेरी ये शुरुआत आप लोगों को पसंद आए, तो चलो फिर शुरू करते हैं वी ब्लॉग्स बाय नरेश। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो किसी रिलेटेशन में बनाया नहीं, ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन है मेरे इस वी ब्लॉग्स के बारे में जो मैं भविष्य में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। यूट्यूब चैनल बनाने का कारण क्या है, क्यों बना रहा हूँ, ये सब बातें मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। आशा है कि आपको ये क्रिएशन पसंद आएगा, प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा। नरेश है, मैं मूलतः नेपाल में रहता हूँ। आप बोलेंगे हिंदी बहुत अच्छी है भैया की, लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश नेपाल में नहीं हुई है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हुआ था, जहाँ मैंने एजुकेशन कंप्लीट की थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी आईटी ग्रेजुएट हुआ। 2002 में मेरे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होने से मैं पैर से चल नहीं सकता हूँ। मैं 2002 से फुल्ली व्हीलचेयर बाउंड हूँ। मैं कैलिपर के सहायता से कभी कभार चल भी लेता हूँ, लेकिन थोड़ा आलस होने के कारण व्हीलचेयर ही प्रिफर करता हूँ। यही मेरी लाइफ है। आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने बीएससी आईटी किया था मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। उससे पहले, मेरे एक्सीडेंट के पहले, मैं डिप्लोमा कर रहा था ईटी में, तो इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज हार्डवेयर। ये तो बात हुई मेरे एजुकेशन रिलेटेड। और आप बोलेंगे नेपाल क्यों फिर शिफ्ट हुआ जब आप मुंबई में रहते थे। ज़िंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं भाई लोग, जिसका जवाब कभी किसी को नहीं मिलता। ये भी एक सवाल है मेरी ज़िंदगी में, इसका जवाब मेरे पास नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि बंदा करता क्या है फिर आमदनी के लिए। ज़रूरी है, आदमी पैसे के बिना रह नहीं सकता। आपको मैं बताना चाहूँगा, 2002 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके 2 या 3 साल के बाद मैंने एक ट्यूशन टाइप शुरू किया था। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि तब से लेकर अब तक मैं बेसिकली एक टीचिंग फील्ड में हूँ। बीएससी आईटी होने के बाद मैंने जावा में एडवांस कोर्स किया था, प्लस आज के दिन मेरा एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, जिसमें बेसिकली मैं कुछ चीज़ें लोगों को सिखाता हूँ, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग से फील्ड में, और साथ में टैली, ये चीज़ें हैं। प्लस मैं मैथमेटिक्स में लोगों को मैथमेटिक्स भी सिखाता हूँ, फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 to 12। ये तो हुआ मेरे टीचिंग या पैसे के रिलेटेड में, जैसे आपको बता। अब शुरू क्यों किया, जैसे कि ये समय जो है कोरोना का है ना, तो बहुत सारे लोग घर के अंदर थे। मेरा बिजनेस तो भाई फुल डामाडोल हो चुका था, अब क्या करना। तो वीडियोस में देखता था, लोगों की क्रिएशंस अच्छी लगती थी, लोग अपनी जो दिल की बात है घर में रहने के बावजूद भी बता सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक व्हीलचेयर बाउंड पर्सन हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे भी अपनी बातें किसी न किसी को तो शेयर करनी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़िंदगी में शेयर करने के लिए लोग बहुत कम होते हैं, तो इससे अच्छा मीडियम मैंने नहीं माना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की बात प्लस मेरे ज़िंदगी में जो घट रहा है बातें, प्लस मेरे माध्यम के द्वारा किसी को मैं मोटिवेट कर सकूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कि कैसे चलना चाहिए। अब मैंने ये भी बताया है कि मैं पैराप्लेजिक हूँ, तो भाई ज़िंदगी में कैसे जीते हम जैसे लोग, तो हमारी ज़िंदगी का जो संघर्ष है डेली उठने से लेके सोने तक, वो आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे भविष्य में वीडियो के द्वारा। साथ ही साथ मैं कुछ क्रिएशंस भी करना चाहूँगा, जैसे top 10 categories, top 5 categories, ऐसे कुछ कैटेगरीज में भी मेरे आगे के कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। आशा है कि आप लोगों को अगर मेरी लाइफ देखनी है, प्लस कुछ ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें मुझसे जानने की इच्छा है,
आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो भाई सब करते हैं, अब कुछ और जानना है, अगर आप मेरे भविष्य के वीडियोस देखेंगे उसके बाद कुछ और जानना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में क्लिक करेगा, अपने कमेंट दीजिएगा, ताकि मैं उस रिलेटेड वीडियोस बना पाऊँ और आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ। आप बोलेंगे यूट्यूब चैनल तो बंदा पैसे कमाने के, देखिए पैसा नहीं है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ही ज़रूरी है। मैं पैसे के लिए इस चैनल में नहीं आया हूँ, आपको मैं बातें क्लियर करना चाहूँगा। मेरा गाड़ी चल रहा था जब तक कोरोना नहीं आया था, बस ये लगा कि भाई आदमी की ज़िंदगी में अपनी बातें भी शेयर करने के लिए चाहिए होती, तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं वो कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएगी और भविष्य में भी आप, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्रिएशन से। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर ना पसंद आया तो प्लीज़ डिसलाइक करिएगा, दिल से पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर।